नमः शिवाय दर्शकों, यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कारोबार आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो कारोबार नहीं बढ़ पा रहा है, नौकरी की नहीं मिल पा रही है, यानी हर काम में आपके रुकावट आ रही है, सफलता नहीं मिल रही आपको, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है और प्रदोष काल में यानी शाम के समय करना है। इस उपाय को आपको बुधवार की जब प्रदोष पड़े तब ही करना है, और एक बार गुरुजी ने कहा है सिर्फ आप एक बार ये उपाय कीजिए, जिस भी कार्य के लिए आपको ये उपाय करना है एक बार ये उपाय कीजिए जब बुधवार की प्रदोष पड़े। तो आप बुधवार की 3 तारीख की प्रदोष है, 3 मई को बुधवार की प्रदोष पड़ रही है, तो आप ये उपाय कीजिए। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको लेने हैं साबुत हरे मूंग। जो साबुत हरे मूंग होते हैं वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, आपको साबुत हरे मूंग ले लेने हैं। आप 11 मूंग ले लीजिए, 21, 41, 51 जितने भी आप हो सके आपको मूंग ले लेने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जो मूंग है वो टूटे फूटे ना हो, यानी खंडित ना हो, साबुत मूंग हो। अब आपने मूंग ले लिए, अब उन मूंग को लेकर आपको जाना है शिव मंदिर प्रदोष काल में। ध्यान रखिए प्रदोष के जो उपाय होते हैं वो कोशिश यही किया कीजिए कि प्रदोष काल में ही करें, प्रदोष व्रत के जो उपाय होते हैं। अगर आप व्रत रहें ना रहें लेकिन उपाय आप अवश्य करें, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है। अब आपने वो जो मूंग है महादेव के पास आपको बैठ जाना है शिवलिंग के पास, और वो जो भी आप मूंग ले गए, चाहे 11 या 21 जो भी आप मूंग के दाने ले गए, उन्हें आपको मुट्ठी में बंद कर लेना है, सीधे हाथ की मुट्ठी में आप बंद कर लीजिए। उसके बाद वो बंद मुट्ठी है वो आपको शिवलिंग में स्पर्श करानी है। ध्यान रखिए आपके जो मूंग हैं वो आपकी मुट्ठी में बंद है, उस बंद मुट्ठी को आपको शिवलिंग में स्पर्श कराते हुए लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बोलिए 11 बार या 21 बार, और अपनी मनोकामना, जिस भी मनोकामना से, चाहे वो नौकरी है या जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही, वो अपनी मनोकामना बोलिए। अब आपने शिवलिंग में स्पर्श करा दिए, उसके बाद फिर वो मुट्ठी हटा लीजिए। उसके बाद जो नंदी भगवान बैठे होते हैं तो नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है आगे की तरफ, जो पैर उठा हुआ होता है, अब वही मुट्ठी, अभी आपको मुट्ठी खोलनी नहीं है, अब वही मुट्ठी आपको, बंद मुट्ठी आपको नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ स्पर्श करानी है बंद मुट्ठी, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और वो और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे नौकरी प्राप्ति की हो, ज्ञान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, जिसमें आप सफलता नहीं मिल रही, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, वो आपको मनोकामना बोलनी है, अभी भी आपको मुट्ठी बंद ही रखनी है। उसके बाद आपको मंदिर से चले आना है और जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, वहाँ जाकर आपको वही बंद मुट्ठी जिसमें आपके मुंह बंद हैं उस मुट्ठी को आपको बेल वृक्ष में स्पर्श कराना है। बेल वृक्ष में स्पर्श कराइए और अपनी मनोकामना बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11-21 बार लगातार जाप कीजिए, और पूरी श्रद्धा और भाव के साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम इस उपाय, इस परेशानी के लिए उपाय कर रहे हैं और मेरी वो सब समस्या समाप्त हो जाए। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए महादेव से आपको वो मूंग के जो दाने आप लेकर गए हैं 11 या 21, अब आपको मुट्ठी खोल देनी है और वो 11 जो दाने हैं वो आपको बेल वृक्ष की जड़ में आपको चढ़ा देने हैं। तो ये उपाय कीजिए, गुरुजी कहते हैं उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा चमत्कारी। आप देखिएगा, एक बार ये उपाय कीजिए और फिर आप इसका देखिएगा कि प्रभाव आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।